सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन लिया था। वेस्ट बंगाल बोर्ड का डिसीजन था कि बोर्ड एग्जाम ना उनकी स्टेट में क्लास टेंथ के होंगे ना ही क्लास ट्वेल्थ के। इतने दिन से ये डिसीजन चल रहा था लेकिन वो फाइनल हो गया वन वीक पहले। गाइज, अब जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है, मतलब जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, उन्होंने कल रात को या फिर कल मॉर्निंग में ये बोला कि सीबीएसई को भी वेस्ट बंगाल बोर्ड जैसा डिसीजन लेना चाहिए। उनका कहना है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन सीबीएसई को भी लेना चाहिए। गाइज, इतने दिन से बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन की डिमांड तो चल ही रही थी लेकिन कल रात से गाइज अब वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो हेड है, मतलब जो ममता बनर्जी है, वेस्ट बंगाल की सीएम है, उन्होंने ये और डिमांड स्टार्ट कर दी कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दो, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दो। इस टाइप की डिमांड और स्टार्ट कर दी है। गाइज, काफ़ी सारी बातें मेरे को आपको इस वीडियो में करनी है, आप सभी से काफ़ी सारी बातें करनी है। लेकिन गाइज, बातें करने से पहले मैं आप सभी को गाइज आपके एक काम की चीज़ बताना चाहूँगा। तो गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे अभी 12 दिसंबर को और 13 दिसंबर को रिवाइज़र्सथॉन प्रोग्राम होने वाला है। गाइज, ये प्रोग्राम में जो सीबीएसई क्लास टेंथ के, इलेवंथ के और ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनका जो पूरा सिलेबस है उसको स्टडी करवाएगी टॉप एजुकेटर। और गाइज, जो स्टडी आपको करवाई जाएगी वो एकदम फ्री होगी, कुछ भी आपसे इसके रिगार्डिंग पैसे नहीं लिए जाएंगे। गाइज, रिवाइज़र्सथॉन प्रोग्राम के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आपको पूरे दिन, मतलब मॉर्निंग में 10:30 से लेकर रात के 8 बजे तक ये प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा। पूरे दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका जितना भी सिलेबस है उसको पूरे को रिवाइज करवाया जाएगा। गाइज, आप सभी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, आपकी रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, ऑनलाइन स्टडी करवा दी, सिलेबस कंप्लीट करा दिया स्कूल में, लेकिन आपकी रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं करवाई इस बार। लेकिन गाइज, ये ड्यूटी जो आपकी स्कूल की ड्यूटी है वो ड्यूटी आपको अनअकैडमी पूरी कर रहा है। आपको फ्री के अंदर पूरा जितना भी आपको सिलेबस है, क्लास टेंथ का, इलेवंथ का, ट्वेल्थ का, तीनों का सिलेबस, मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, सभी का सिलेबस पूरा, मतलब पूरी तरीके से रिवाइज करवाएंगे। टॉप एजुकेटर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, आपको ये भी बताएगी कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। छोटे से लेके सारी बड़ी टिप आपको दी जाएगी इस रिवाइज़र्सथॉन नाम के प्रोग्राम में। और गाइज, फ्री है, कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आपको एनरोल करना पड़ेगा। पहले एनरोल कर लोगे तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाओगे। और गाइज, कई बार एनरोल करते टाइम आपसे इनविटेशन कोड मांगा जाता है। इनविटेशन कोड गाइज कोई ऐसे वैसे कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाता, सिर्फ आपको कोड डालना है। कोड के अंदर गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, जीपी एडवाइस 10 यूज़ करना है कोड, आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी। तो गाइज, अभी इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप एनरोल कर पाओगे। मैं क्लास टेंथ की, इलेवंथ की और ट्वेल्थ की तीनों की लिंक अलग अलग दूंगा, तो जो जिस भी क्लास में आप हो उस पर क्लिक करके एनरोल अभी करो, जिससे जब भी ये प्रोग्राम हो उस दिन आप अच्छी तरीके से फ्री में पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी बैठ कर लो। और गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं वापस रिपीट कर दूं कि रिवाइज़र्सथॉन प्रोग्राम के अंदर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाएगी। सारे आपका जितना भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को फुल्ली रिवाइज करवाया जाएगा। तो गाइज, इस इन चीज़ों का आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आप अभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर लो, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सको टॉप एजुकेटर के जरिए, वो भी फ्री में। और रिवाइज़र्सथॉन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इस वीडियो में मिल जाएगी। चलो गाइज, अपने आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन होने, ये आप सभी को पता ही है। तो गाइज, ये सब आप सभी को पता ही कि वोट्स वगैरह के लिए होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले बिहार बोर्ड ने भी कर दिया, सेम वही डिसीजन वेस्ट बंगाल बोर्ड ने भी कर दिया है। तो गाइज देखो, वेस्ट बंगाल बोर्ड ने जैसे ही एग्ज़ाम को कैंसिल किया, बच्चों को डायरेक्ट प्रमोशन देने का डिसीजन दिया, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ जो बोर्ड क्लास होती है उनके लिए सेम डिसीजन दिया। तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उन्होंने भी सेम डिमांड अब ट्विटर पे उठानी स्टार्ट कर दी है। और वेस्ट बंगाल के सीएम को देखते हुए गाइज, अब आपको आने वाले टाइम देख लेना, 100% गारंटी दे रहा हूँ, दिल्ली के सीएम और भी जो दूसरे स्टेट्स के सीएम हैं वो सेम डिमांड उठाने वाले हैं। गाइज, अगर डिमांड इंक्रीज हुई तो हो सकता है गाइज बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन से पहले कैंसिल हो जाए। लेकिन गाइज, ये सब डिपेंड करता है हालात पर, हालात जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन आएगा। गाइज, मैं तो आपको न्यूज़ बता सकता हूँ, ये न्यूज़ हुई है, ये अभी हाल चल रही है, जो कंडीशन है मैं आपको बता सकता हूँ। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है, लेटेस्ट कंडीशन ये है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ने और वेस्ट बंगाल की सीएम ने ये बड़ी अनाउंसमेंट करी कि सीबीएसई को भी वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए और बोर्ड क्लासेस को डायरेक्ट प्रमोशन दे देना चाहिए।
ये डिमांड उन्होंने रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन गाइज अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी का सबसे बड़ा अपडेट यही है आप सभी के लिए। गाइज आपका क्या रिव्यू है, आपकी क्या बातें, आपको सही लगता है वेस्ट बंगाल बोर्ड ने सही किया गलत किया, ज़रूर कमेंट करके बताना। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है, मैंने गाइज ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाई, तो प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी घर पर रहो, सेफ रहो।